हेलो दोस्तों। तो यार आज अपन देखने वाले लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली का क्या प्रोसेस है भैया। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि परेशान है रिगार्डिंग द एडमिशन की कि भैया एडमिशन का क्या अपडेट है। एंड देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे योगा एंड अदर अदर जो भी कोर्सेज जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, यहाँ पे प्रवेश का एक नोटिफिकेशन दिया गया है उस पर ही चले जाते हैं पहले सबसे पहले और उसकी अपडेट जान लेते हैं कि क्या क्या अपडेट आ रखी है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिन भी स्टूडेंट के सीयूटी में काफ़ी लो स्कोर आया है वो हमारा सीयूटी गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनली बीए शास्त्री बीए योगा के कोर्स को जो है एक्सटेंड कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन को टिल 31 अक्टूबर 2022 तक। एंड रिवाइज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंट्री जो भी है क्या क्या डाल रखा है यार इन लोगों ने, हमें जो मतलब है वो है एडमिशन स्पेशली। आज हम यूजी के लिए आए हैं तो यूजी वाले बच्चों आपके लिए देखते हैं आज अपन। तो एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे अपन, न्यू वेबसाइट पे लेके जा रहा है ये। ओके तो यहाँ पे क्या मांग रहा है हमसे, ये हमें बोल रहा है कि आप अपना कैप्चा डालिए, पासवर्ड डालिए, हमारे पास कुछ नहीं है। एडमिशन एडवर्टाइजमेंट पोर्टल पॉलिसी ई प्रोस्पेक्टस ओके एंट्रेंस एग्जाम देखो यार, 18 तारीख को नोटिस आया है कि आपका ये जो प्रोग्राम है इनको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 तारीख तक। तो नोटिस में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है इन लोगों ने। यहाँ पे भी बहुत सारे नोटिसेस दिए गए रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो माइग्रेशन एंड अदर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट दिया है लोगों की तरफ से जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। यार सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो 17 तारीख को ये अपडेट आता है एंड जो कि फुल हिंदी में लिखा गया है, शैक्षणिक नियम परिचायिका में प्रवेश हेतु पद प्रावधानों के अनुपालन में शैक्षिक छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों द्वारा किन्हीं कारणवश प्रवेश के समय निष्क्रमण प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति शैक्षणिक विभाग में जमा नहीं करा सके, इस तारीख तक वांछित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से शैक्षणिक विभाग में जमा कराने का कष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र जमा न कराने की स्थिति में संबंधित छात्र अस्थायी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। इंग्लिश भाषा में आप लोगों को बता देता हूँ कि यार ये तारीख है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कितना लिखा गया है। किसी छात्र को हिंदी लैंग्वेज ये आ रही हो तो मुझे कमेंट में बता सकता है। इस तारीख तक अगर आप लोग जो है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपका स्कूल से लिया जाता है वो अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस जो भी ये नोटिस इसके रिगार्डिंग है रिगार्डिंग द माइग्रेशन, जो भी आपको स्कूल जो होता है ना वो आप जैसे 12th कहीं से आपने किया है तो आपको वो माइग्रेशन प्रोवाइड करेगा और एनओसी भी देता है वो, नो ऑब्जेक्शन कमिटमेंट ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमए सोशियोलॉजी एडमिशन, तो ये तो यार आई थिंक पीजी का हो गया होगा ना, एमए तो पीजी वाले बच्चे करते हैं शायद। तो ये लोग भी देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में डालते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, मेरे जैसे लोगों को हिंदी थोड़ा कम जाता है, वैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ लेकिन आजकल मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हिंदी से वास्ता हट चुका है। तो यार यही अपडेट है, जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है हम आपको जरूर से अपडेट करेंगे। हालांकि 31 तक एक्सटेंड कर दिया गया तो 31 तक तो कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और जिन भी बच्चों के काफ़ी कम मार्क्स है वो मेरा सीयूटी गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। टिल लास्ट राउंड तक किशनगंज एसएएस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन करा दिया जाता है।
जिन बच्चों के और भी कम है उनका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में बीटेक सीएससी में भी ऑप्शन अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। साथ में नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, उसको भी आप इनरोल कर सकते हो।